सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हाथों की लकीरें सिर्फ सजावट बयां करती है, किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। खुशी एक महक की तरह होती है, जब तक हम स्वयं नहीं महकेंगे दूसरों को कैसे महका सकते हैं। इसीलिए खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। आज का पंचांग 2 अगस्त 2023 दिन बुधवार, सावन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। रात्रि 8:06 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नामक नक्षत्र दोपहर 12:58 तक रहेगी। इसके उपरांत धनिष्ठा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:25 से 2:04 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मकर राशि पर रात्रि 11:26 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगे। मीन राशि 2 अगस्त 2023 दिन बुधवार, आज आपको किसी नौकरी प्रशिक्षण या कार्य के दायित्व का मौका मिल सकता है। अगर स्वास्थ्य या उधार आपको परेशान कर रहा है तो फोन, ईमेल, टेक्स या व्यक्तिगत रूप से करीबी लोगों के साथ बातचीत करें। परिवार की सलाह पर ध्यान दें। इन कठिनाइयों के बाद आपको नए अवसर मिलेंगे। यह अवसर केवल अपने दोस्तों को याद रखने का ही नहीं बल्कि अपने दुश्मनों तक पहुँचने और उन्हें हराने का भी है। सब कुछ नियंत्रण में है और यह सामाजिक अवसरों को शामिल करने का सही समय है। जिस तरह से आप लोगों और स्वयं के साथ बातचीत करते हैं उससे आपके जीवन की गुणवत्ता का पता चलता है। आज दिनचर्या में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन प्रयासों से काफी हद तक परिस्थितियां सामान्य ही हो जाएगी। संतान की वजह से संबंधित कोई वातावरण होगा। विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग में आ रही बाधा को दूर करने में किसी अनुभवी का सहयोग मिल सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी, साथ में कुछ लोगों के मन में आपके लिए जलन की भावना बढ़ सकती है। जब तक कोई काम पूरा नहीं होता है तब तक इसकी चर्चा ना करें। लोगों के द्वारा बोली गई बात को ठीक से समझना होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ अपनी बातों की चर्चा ना करें। काम की जगह चल रहे षष्ठयंत्र की वजह से आपका आज नुकसान हो सकता है। इस बात का खास ध्यान रखें कि नुकसान ना हो। पार्टनर के मन में आपके लिए क्रोध बढ़ सकता है, ध्यान रखें। सावधानियां, इस समय कहीं भी पैसा लगाना नुकसानदायक रहेगा। कभी कभी बच्चों से बहुत अधिक उम्मीद रखना और उन पर रोक टोक करना आपके संबंधों के बीच में दूरियां ला सकता है। अपने स्वभाव में परिपक्वता लाएं। युवा वर्ग में टारगेट को हासिल करने के लिए अधिक ध्यान दें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने जीवन साथी के साथ समय बिताना और अपनी भविष्य के निर्णय लेने से सुखद आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए साथ में किसी छोटी यात्रा पर जाना आपको अद्भुत महसूस कराएगा। संगीत, नृत्य या कला से आप अपने जीवन को दिलचस्प बना सकते हैं। आज जो मौके आपको मिलेंगे उनका फायदा उठाएं और नए दोस्त बनाएं। विवाहित लोगों के एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान की भावना के कारण ही उनका रिश्ता आज भी फ्रेश है। रिश्ते में नई खुशबू के लिए हमेशा कुछ नया करते रहें, जैसे समय समय पर कोई उपहार देना या एक दूसरे की पसंद का खाना बनाना आदि। बात करते हैं करियर की। आज नए संपर्क बनाएं, क्योंकि यह समय संचार के लिए अच्छा है। व्यस्त रहेगा और अपने जीवन साथी या छोटी भाई बहनों के साथ समय बिताना मुश्किल होगा। अतिरिक्त जिम्मेदारियों, छोटी यात्राओं, प्रचार संचार और पत्र लिखना आदि कार्यों का सामना करना पड़ सकता है। पुराने दोस्तों के बारे में सोचते हैं तो आप पुराने दुश्मनों के बारे में भी सोच सकते हैं। उनके साथ रिश्ता सुधारना चाहते हैं, जिनसे आप रिश्ता सुधारना चाहते हैं। आप यह भी जानते हैं कि किसी से लगाव जीवन को बदल सकता है। लोगों से बातचीत करना गलतफहमियों को दूर करता है। बात करते हैं सेहत की। शारीरिक और मानसिक थकावट रह सकती है,
ज्यादा तनाव लेने से बचे तथा कुछ समय अपने मनोनुकूल कार्यों में व्यतीत करने से भी प्रफुल्लता आएगी। डायरिया की तकलीफ हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप गाय को ताजी रोटी खिलाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।